आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। फरीदाबाद में आप पार्टी का विरोध प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई और राशन कार्ड को बनाया मुद्दा। कानपुर में संभागीय निरीक्षण संघ की बैठक, सड़क सुरक्षा को लेकर लिए गए कई निर्णय। सहारनपुर में ईट राइट्स मिलेट्स मेले का आयोजन, कार्यक्रम में मोटे अनाज की बताई गई खासियत। शाहजहांपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट में दिया ज्ञापन, राइट टू हेल्थ बिल को वापस लिए जाने की उठाई मांग। सहारनपुर में पुलिस ने जाली नोट किए बरामद, 3 आरोपियों की भी हुई गिरफ्तारी। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में, मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां राशन कार्ड बनाने और महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नगर निगम चुनाव के प्रभारी अशोक तंवर ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ की समस्या और पूरे फरीदाबाद में हो रहे भ्रष्टाचार अपराध, लोगों का शोषण और सड़कें टूटी और गंदगी होना, साथ ही साथ लोगों का राशन कार्ड काटना, ये तमाम चीजों को लेकर आज का प्रदर्शन किया गया है। जब अधिकारी ने सुना आम आदमी पार्टी के लोग और जनता आ रही है, तो वो मैदान छोड़कर भाग निकले। जैसे ही यहाँ के स्थानीय अधिकारियों को पता चला, वो यहाँ से मैदान छोड़कर के भाग गए। हम जब तक वो ये नहीं बताएंगे कि इनके राशन कार्ड कब तक बनेंगे, कब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक आम आदमी पार्टी यहीं बैठ करके और मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। मैं समझता हूं कि यही जो रवैया है, खट्टर सरकार एक तरफ कह रही है, खट्टर साहब ने 3-4 दिन पहले कहा कि 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक सारे अधिकारी अपने अपने ऑफिस में बैठेंगे, हमारे कार्यकर्ता उनसे मिलेंगे, उनके कार्यकर्ताओं को मलाई खाने से फुर्सत हो तो वो अधिकारियों से मिलेंगे, और अधिकारियों को फुर्सत हो जनता की समस्याओं का समाधान करने की तो वो यहाँ पर बैठेंगे। तो ना तो खट्टर साहब के अधिकारी बैठे हैं, ना यहाँ पर उनके कार्यकर्ता पहुँचे हैं, तो आप आलम देख सकते हो। और हमने कहा है कि भाई यहाँ तो हमारी जब तक डीसी साहब से बात नहीं होगी। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की ओर से ईट राइट मेला लगाया गया, और मेले में मोटे अनाज से तैयार 40 प्रकार के खाद्य पदार्थ परोसे गए। वही मेले में खाद्य कारोबार कर्ताओं, किसान और जन सामान्य को आमंत्रित किया गया, और सहायक खाद्य आयुक्त पवन कुमार ने बताया कि मेले का मुख्य उद्देश्य जन सामान्य को मोटे अनाज के उपयोग से होने वाले लाभ और खान पान की आदतों में सुधार लाने एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली को अपनाया जाना है। मेले में खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए स्टॉल भी लगाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत पूरे देश में मोटे अनाज के बढ़ावे के लिए कार्य किया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूरे प्रदेश में ईट राइट्स मिलेट्स मेले आयोजन के लिए निर्देशित किया गया है, कि ताकि आमजन को मोटे अनाजों के बारे में जागरूक किया जा सके, वो अपने भोजन में इन्हें शामिल कर सके और स्वस्थ रह सके। उद्घाटन कब तक की, किस तरह का आयोजन है? आज प्रातः 10 बजे। खबर शाहजहांपुर से है, जहां जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाठक के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक मंडल सिटी मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह से मिला और राजस्थान सरकार को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया, जिसमें उन्होंने राइट टू हेल्थ बिल को वापस लिए जाने की मांग उठाई है। वहीं ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान विधानसभा में डॉक्टरों के भारी विरोध के बाद भी राइट टू हेल्थ बिल को 21 मार्च 2023 को पास किया गया। दिवस मनाया जा रहा है, वो सारा हमारे राजस्थान के चिकित्सकों के चल रहे आंदोलन के समर्थन में,
आपको ज्ञात होगा कि पिछले एक सप्ताह से राजस्थान में समस्त चिकित्सक सारी चिकित्सा सेवाएं ठप हैं, वहाँ हड़ताल पर चल रहे हैं और उसका कारण है वहाँ का जन विरोधी राइट टू हेल्थ बिल। राइट टू हेल्थ बिल में जो उन्होंने प्रोविजन किया है वो एक प्रकार से प्राइवेट संस्थाओं के ऊपर एक पूरा सीधा कुठाराघात है जो कि हमारे मूल अधिकारों को हनन करता है। हर व्यक्ति को सब भारत के संविधान में अपनी जीविका अर्जित करने का अधिकार है, उससे कोई नहीं छीन सकता, जीने का अधिकार है। उन व्यक्तियों का जो इमरजेंसी है उसका बिल्कुल फ्री में इलाज करें, तो एक तो ये है कि सरकार उस खर्चों से बचना चाहती है, अपने जिम्मेदारी से बचना चाहती है और उसे प्राइवेट सेक्टर में थोपना चाहती है। हमें अपने मरीज को चुनने का अधिकार है। दूसरा ये पूर्णतः जो है असंगत भी है, क्योंकि सपोज कीजिए कोई बच्चों का डॉक्टर बैठा हुआ है और उसके पास इमरजेंसी में तुरंत हार्ट अटैक का मरीज पहुंचा है, तो वो हार्ट अटैक के मरीज का इलाज कैसे कर सकता है? उस मरीज का वो भला कर ही नहीं सकता है। सरकार का कहना है कि आपके यहाँ जो भी मरीज आए जिस बीमारी का, इमरजेंसी का, आपको उसका इलाज करना है। तो आदमी डॉक्टर्स अपने स्पेशलिटी के हिसाब से अपने संस्थान में व्यवस्थाएँ रखते हैं। हम दूसरी की स्पेशलिटी का इलाज कर ही नहीं सकते और मुफ्त में इलाज करने का कोई हमारे ऊपर रोकने का सरकार को कोई अधिकार नहीं। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, जनता उनको चुनती है, वो हम। राइट टू हेल्थ बिल के बारे में जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया वो सारी बातें सही है। कोई भी कार्य करने से पहले प्लानिंग से करना चाहिए और उस कार्य से संबंधित और प्रभावित होने वाले सभी स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। इस राइट टू हेल्थ बिल में कभी डॉक्टरों से संबंधित किसी संस्था से बात नहीं की गई। उसमें पेमेंट के क्या प्रावधान होंगे, कौन डॉक्टर किसे मरीज को देखेगा, कैसे दूसरी स्पेशलिटी के मरीज को देख पाएगा, ये सोचा नहीं गया है। एक साल के अंदर होने वाले इलेक्शन को देखते हुए अशोक गहलोत जी ने, मालूम पड़ रहा है, एक लोक लुभावना बिल बनाया है। सहारनपुर के थाना मिर्जापुर पुलिस ने दो शातिर अभियुक्त और एक महिला अभियुक्ता को जाली नोटों और नोट बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों के कब्जे से 82,000 जाली नोट और जाली नोट बनाने के उपकरण के साथ ही एक गाड़ी और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। कल शाकुंभरी देवी मंदिर पे भूरा देव मंदिर के आसपास जब चेकिंग की जा रही थी तो एक नकली नोट एक दुकानदार के पास पे चलाया गया, जिसने उसको जब देखा कि ये नोट नकली है तो वहाँ पर स्थानीय जो पुलिस जो चेक कर रही थी उनको सूचना दी गई। इसकी जो जानकारी की गई तो वाकई इसमें सिक्योरिटी फीचर्स कुछ भी नहीं थे। इन तीनों की जब जमा तलाशी ली गई तो एक अभियुक्त है सोमपाल, इसके पास से 32,000 के नकली करेंसी मिली। रविंद्र एक अभियुक्त है, उसके पास से 25,000 की, और इसी तरह एक अभियुक्ता है किरण, उसके पास से 25,000 की नकली करेंसी हमें बरामद हुई है। तो इसके पश्चात थाना मिर्ज़ापुर पर नकली नोटों के संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और इन्हीं की निशानदेही पर एक प्रिंटर, HP का प्रिंटर बरामद किया गया, जिससे ये लोग स्कैन कर बॉन्ड पेपर पर, थिक पेपर पर करेंसी को छापते थे और धीरे धीरे मार्केट में चलाने की कोशिश करते थे। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग संभागीय निरीक्षण संघ ने मुख्यालय में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सड़क सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और डग्गामार वाहनों पर कड़ाई करने की रणनीति बनाई गई। इस बैठक में प्रदेश के तमाम जिलों से आए RI शामिल हुए और बैठक के दौरान सभी ने विभागीय कार्यों में आ रहे व्यवधानों के बारे में पदाधिकारियों को अवगत कराया, जिससे सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान में और सुधार लाया जा सके। वही कानपुर RTO के RI और संघ प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कई बिंदुओं पर निर्णय लिए गए हैं। परिवहन विभाग के लिए सड़क सुरक्षा संबंधी बिंदुओं पर अपनी राय मंशा को रखा गया है, जिसमें 40 से 45 जिलों के RI आए हुए थे, जिन्होंने अपने विचारों को रखा कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं विभाग के द्वारा तो वो भी दूर करे जाएं और साथ में हमारे सहयोग से सड़क सुरक्षा की दृष्टि से एक्सीडेंटों के लिए कमी लाने के लिए हम लोग बाध्य हैं और उसमें हम लोग सहयोग करें।
कानपुर के प्रमुख पोष बाजार नवीन मार्केट में दबंग कांग्रेसी पार्षद ने पीड़ित महिला के दुकान पर कब्जा कर लिया, जिसका विरोध करते हुए पीड़ित महिला ने पुलिस कमिश्नर को एक प्रार्थना पत्र देकर अब न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला का कहना है कि दबंग आए दिन अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और मारपीट भी करते हैं। बता दें कि दबंग पार्षद के खिलाफ शहर के कई थानों में मुकदमे भी चल रहे हैं। मार्केट में मेरे हस्बैंड की शॉप थी, जिसपे पूर्व पार्षद इरफान बाबू पूर्वक रहने वाले उन्होंने कब्जा किया है, जिसकी हमने शिकायत 10/76/10/90 पे की थी। पुलिस ने आके मेरा ताले डलवाए, लेकिन हमको कल सूचना फिर से मिली है कि उन्होंने ताले तोड़ दिए हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे कमिश्नर साहब से मिलने आए हैं ताकि हमको न्याय मिल सके और हमारा मतलब जो न्यायालय फैसला करे हम उस पर विचार दिए हैं। जी राजी हैं। खबर हरदोई से है, जहां माधवगंज इलाके में पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए किशोर का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला है। बता दें कि किशोर गांव की ही किशोरी से प्रेम प्रसंग में वांछित चल रहा था, जिसको लेकर ही पुलिस ने पूछताछ के लिए किशोर को बुलाया था, जिसका शव गांव के बाहर पेड़ पर लटका मिला। तो वहीं किशोर के परिजनों ने किशोर को मारकर लटकाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एएसपी ने कार्रवाई का आश्वासन देकर शव को पेड़ से उतरवाया। ये मामला थाना माधवगंज में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 41/23, जिसमें दीपक द्वारा एक गांव के ही लड़की को भगा लिया गया था, उसी में ये वांछित था और आज जो है ये अपने खेत में पेड़ से लटक गया है। उपरोक्त प्रकरण में पंचायतनामा पोस्टमार्टम। खबर हरदोई से है, जहां सांडी इलाके में कोल्ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। गांव के ही युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप है। बताया गया कि किशोरी की मां रिश्तेदारी में गई थी, इसी बीच घर पर आए युवक ने नशीला पदार्थ मिलाकर उसे कोल्ड्रिंक पिलाई, जिसके बाद अचेत अवस्था में होने पर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। वह इस मामले पर पीड़िता की माँ के तहरीर देने पर पुलिस अब मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। वहीं हरदोई के सांडी इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से दो बाइक सवारों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसकी सूचना पर पहुंचे पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायल युवक को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है और तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जाँच की जा रही है। एक बाइक पे तीन नवयुवक करीब 18-19 साल के सवार होके कस्बे में ही जा रहे थे, उधर से अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर लग गई, जिसमें दो अमन और दिलीप की डेथ हो गई और तीसरा जो व्यक्ति है वो घायल अवस्था में सीएससी सांडी गया था, वहाँ से रेफर हो गया है और कोई उसकी हालत ठीक है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, पीएफ कराया जा रहा है। गाजियाबाद के थाना चौनिका सिटी इलाके में गांव खानपुर इलाके में एक मजदूर की करंट लगने से जान चली गई। बता दें कि अवैध निर्माणाधीन फैक्ट्री में कार्य चल रहा था और जानकारी के मुताबिक मजदूर अवैध फैक्ट्री में प्लम्बर का काम कर रहा था, तभी बिजली से करंट लगने से उसकी मौत हो गई। बता दें कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते 8 दिन पहले भी चौनिका सिटी के नसीब विहार में एक और युवक की जान चली गई थी। मृत मिला है, ये हमें किसी ने कोई सूचना नहीं दी है कि लड़के के साथ हुआ है क्या क्या नहीं हुआ। आजाद खारी कोई ठेकेदार है वहाँ, ठीक है, किसी की पवन जायसवाल मालिक है जिसके यहाँ पे हादसा हुआ। हमें लड़का मिला है हॉस्पिटल में मृत, लोनी के बराबर में डिस्पेंसरी है, उसमें मृत हालत में हमें लड़का मिला है। आपको सूचना मालिक द्वारा दी गई थी क्या? नहीं नहीं नहीं, मालिक द्वारा हमें कोई सूचना मिली ना ही मालिक वहाँ पे मौजूद मिला है हमें। हमें जी, हाँ, हमें जी एक लड़का मिला है जिसके साथ जो काम करते, जिसे जी करंट से मरा, हमको ने करंट का पता ना हमें कुछ पता। आपको नहीं पता? नहीं जी। कितनी साल उम्र थी? उम्र थी 19 साल। क्या नाम था? शिवम। कहाँ काम करता था? काम करता था मजदूरी, जहाँ भी कहीं मिल जाए वहीं चला जाता था। नहीं, कहाँ पर डेथ? फिलहाल जहाँ डेथ हुई है स्वरूपा वाटिका के पीछे कोई फैक्ट्री बन रही है। अच्छा, हाँ जी। किसकी बन रही है वो?
वो आजाद खारी ठेकेदार है और कोई मतलब पवन जायसवाल मालिक है। पवन जायसवाल मालिक है, आजाद खारी ठेकेदार है। सूचना दी आप लोगों को? हमको कुछ नहीं दी सूचना, हम पे कोई सूचना नहीं है। आपको कैसे पता लगा कि उसके? हमको अस्पताल में जाकर के खबर फरीदाबाद से है, जहां एक गर्भवती महिला की ऑटो में ही डिलीवरी हो गई। इसके बाद अस्पताल में ऑटो में पहुंची महिला को आनन फानन में डिलीवरी कराने के बाद अस्पताल स्टाफ ने उसे गायनी वार्ड में शिफ्ट कराया। बता दें कि डिलीवरी के दौरान बच्चा मृत पैदा हुआ और बताया गया कि अगर थोड़ी और देर हो जाती तो शायद गर्भवती महिला की भी जान जा सकती थी। इस मामले में अस्पताल के पीएमओ सविता यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसे मामले में गर्भवती महिलाओं को लगातार डॉक्टर और अस्पताल के टच में रहना चाहिए और महिला की लापरवाही के चलते न केवल उसकी जान पर बनाई बल्कि उसने अपने बच्चे से भी हाथ धो दिया। स्त्री आई थी यहाँ सिविल हॉस्पिटल में और तभी उसकी डिलीवरी हो गई थी। जितनी भी जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार स्त्री जो है वो एक तो देर से घर से आई है, समय से हॉस्पिटल पहुँच ही नहीं सकी कि जो कि प्रॉपर तरीके से लेबर रूम में डिलीवरी हो सकती सही तरीके से सारा सावधानियाँ बरतते हुए। और जो बाकी जो पता चला कि ये इन्होंने लंबे समय से शायद पांचवें महीने में इन्होंने जो अपना चेकअप कराया था उसके बाद कराया ही नहीं। खबर हो रही है कि अरवा कटरा से है, जहां के बढ़ीन ग्राम पंचायत के प्रधान पर जिला सदर की कार्रवाई के ग्राम पंचायत ने 15 सदस्यों में से एक सदस्य को कार्यवाहक प्रधान के रूप में चुना गया है। तो वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना अध्यक्ष जीवाराम, सीओ महेंद्र प्रताप सिंह और कई थानों के पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद रही। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।